प्रतापगढ़ में एक्चुअली भोजपुरी बोली नहीं जाती इसलिए इसलिए भोजपुरी की जानकारी भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो इंटरनेसल हो गई है अभी वो प्रांतीय स्तर पर भाषा का दर्जा नहीं पाई लेकिन इंटरसल हो गई है नाम है आपका सर मीनाक्षी पांडे अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए Sir, my name is Minashi Pandey. I come from district patabgarh UP, and uh, I am compassionate, uh, empathetic, and perseverant. I have completed my uh, graduation from MDPG College patabgarh and uh, my post-graduation from University of Allahabad. And my hobby is to release and cherish my quality time with uh, differently able person, differently able children, especially. And uh, I am selected uh, as Nayap Asildar in 2016. तो okay. so, आप नायब तहसीलदार हैं yes, sir. But still not joined, sir. अभी ज्वाइन नहीं किया ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई आपकी. सर तो क्या करेंगी प्रशासिका बन के सबसे पहली वरियता क्या होगी वरीयता में सर एस डी नहीं अपने काम के. जब ज्वाइन करेंगी तो फील्ड अच्छा। में जब आ जाएंगी पावर हाथ में आ जाएगा yes, तो कैसे इस्तेमाल करेंगी? सर जो भी गुण, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी ड्यूटी असाइन की जाएगी मैं उसको अच्छे से करूँगी उसका निर्वहन अच्छे से करूँगी क्या क्या ड्यूटीज होते हैं कि एस के पास सामान्यता सर एस के पास सामान्यता लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और पीपल की लाइफ को बेटर करना उनकी जो भी स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की उसको इम्प्लीमेंट करना अच्छे से और जन सुनवाई करना उनकी समस्याओं को समझना और उनको निराकरण करना अभी यूपी में महिला सशक्तिकरण के कर लिए किए कौन कौन सी स्कीम चलाए जाते हैं जो सामान्यतः प्रशासक को लागू करना होता है सर एग्जैक्टली exactly, अभी स्कीम के बारे में फैक्चुअल मुझे नॉलेज नहीं है बट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो अभी लागू की जा रही है और कुछ स्कीम्स हैं सर मैरिज uh, के डिफरेंस में या ये देखा गर्ल्स के हेल्थ को बेटर करने में एजुकेशन को बेटर करने में कुछ स्कीम्स हैं बट सॉरी सर मुझे नॉलेज नहीं है अच्छा यूपी में लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं बुरका क्यों पहनती हैं ये पर्दा प्रथा तो कुप्रथा है आधुनिक युग के अनुकूल नहीं है आ, क्या लगता है कि एक व्यक्ति का क्या, क्या लिबास हो ये समाज तय करना चाहिए कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए सर मुझे लगता है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है राइट टू लिबर्टी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 तो एक व्यक्ति की अपनी इंटीग्रिटी भी होती है और व्यक्ति को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो क्या पहने क्या खाए कैसे रहे बस वो कहीं से किसी दूसरे के राइट को इन्फ्रेज ना करे बस लेकिन कुछ लोगों की दलील ये भी है कि मुस्लिम लड़कियाँ चाहती नहीं है बुरका पहन के कॉलेज जाना लेकिन घर से दबाव रहता है वहाँ घर घर भी उनको आज़ादी नहीं दे पा रहा है तो सर थोड़ा माइंड चेंज करने की जरूरत है चाहे सोसाइटी हो, हो चाहे फैमिली हो चाहे इंडिविजुअल हो या एक देखा जाए स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो जो भी हो सारे स्टेक होल्डर्स को एक पार्टिसिपेटिव वे में एक इंडिविजुअल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की ज़रूरत है सर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीमारियों का बड़ा कहर है पिछले तीस चालीस वर्षों से लगातार वहाँ इंसेफेलाइटिस की बीमारी से हज़ारों बच्चे मर रहे हैं वो बीमारी पश्चिमी बिहार में भी है हाल फिलहाल yes, मुजफ्फरपुर इलाके में भी देखी गई काला आजार भी एक बुखार होता है yes, नाम सुना है इसकी yes, सबसे yes, पहले किसने पड़ताल खोज की थी सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ अच्छा आ, अभी इस तरह के इंसेफ्लाइटिस से उपजने वाली जो जो बीमारियां हैं ये yes. वायरस से उसके रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और केंद्र चूंकि ये दो राज्यों में फैला हुई फैली हुई बीमारी है हुँ. क्या केंद्र सरकार की के भी कोई योजना है इसमें सर जैपानीज इंसफिलिटीज स्पेशली जो गोरखपुर एरिया या ईस्टर्न ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार वाले जो तराई वाले रीज़न हैं उसमें ज़्यादातर मॉइस्चर लाइडन रीज़न होते हैं उसमें होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जैसे इम्यूनाइजेशन के लिए अभी इंटेंसिव इम्यूनाइजेशन हो रहा है सर इस बच्चों को इम्यूनाइजेशन कराया जा रहा है ये एक प्रोग्राम है और स्टेट गवर्नमेंट का भी इम्यूनाइजेशन को वार पोटिंग स्टेप करके उसको किया जाए एक्जैक्टली exactly सर मुझे याद था बट अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अच्छा संयुक्त परिवार टूट रहे हैं एकल परिवार बन रहे हैं एकल परिवार भी टूट रहे हैं एकल सदस्य परिवार इसमें महिलाओं की कितनी जवाबदेही बनती है सर ऐसा नहीं है कि एकदम से संयुक्त परिवार टूट रहे हैं क्योंकि एज पर ट्वेंटी इलेवन सेंसर देखा जाए तो 25 करोड़ हमारे यहाँ हाउस होल्ड्स हैं जिसमें से 52 परसेंट ही न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली हुआ है फोर्टी एट परसेंट ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं अगर महिलाओं को देखा जाए तो सर इसका स्ट्रक्चरल और कल्चरल फैक्टर है स्ट्रक्चरल फैक्टर में ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है अर्बनाइजेशन हो रहा है और कल्चरल फैक्टर में वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है एजुकेशन गेन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो ये सारे रीज़न हैं तो आजकल महिलाएं एजुकेशन गेन कर रही हैं और एम्प्लॉयमेंट में जा रही हैं तो कहीं ना कहीं से वो पर्सनल रीज़न बन जाता है कि उनको न्यूक्लराइजेशन ऑफ फैमिली में रहना पड़ता है और सिटी में मूव करना पड़ता है माइग्रेशन होता है तो ऐसा कोई नहीं रीज़न है कि महिलाओं की वजह से न्यूक्लराइजेशन ऑफ फैमिली हो रहा है या ज्वाइंट फैमिली टूट रही है इन लोग कहते हैं कि सास से बहू झगड़ती रहती है फिर कहती है कि मेरे को अलग चाहिए क्या इसमें सच्चाई है सर मुझे लगता है कि अगर बहू सास से झगड़ रही है तो कहीं ना कहीं से मतलब दोनों की गलती होती है एक की गलती को आप एक नज़रिए से नहीं देख सकते हैं तो ये भी कहा जाता है कि महिलाओं को कमजोर करने में महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है इसका क्या मतलब है सर ऐसा ये होता है कि महिलाओं में कुछ ऐसे पेट्रर्कल माइंडसेट सेट की फैमिलीज हैं जहाँ पे महिलाओं को मतलब जैसे महिलाओं ही महिलाओं को क्यों शोषण करती हैं कि वो महिला भी शोषित कहीं ना कहीं से हुई रहती हैं उनके पास एजुकेशन नहीं होता वो पेट्रर्कल माइंडसेट में रही होती तो वो वही चीज को आगे फिर ट्रांसफर करना चाहती हैं ये रीजन हो जाता है सर आपको यदि आंवला का विज्ञापन करने का दायित्व दिया जाए यस सर तो आप तीन ऐसी कौन सी बातें कहिएगा जिससे कि सामने वाला नियमित उपयोग शुरू कर दे सर सबसे पहले मैं मेडिसिनल उसका यूज बताऊंगी आजकल बाल झड़ने के बहुत से रीज़न हैं तो फिर उसमें कहूंगी कि विटामिन सी होता है जो कि आपके बाल के साथ साथ स्किन को भी बहुत ही अच्छा करेगा औला दूसरा चीज़ सर इसको इसके बहुत से मल्टीपर्पज़ हैं इसको आप कैंडी के रूप में खा सकते हैं इसको लड्डू के रूप में खा सकते हैं मतलब मल्टीपल पर्पज उसकी वजह से कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसका एक्सपोर्ट भी होगा जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और प्रतापगढ़ में काफी प्रतापगढ़ के लिए स्पेसिफिकली आंवला बहुत फेमस है तो प्रतापगढ़ की इकोनॉमी भी इससे स्ट्रेंथन होगी सर ये तीन चीजें मैं कहना चाहूँगी सर ठीक अच्छा प्रतापगढ़ की इकोनॉमी से काफी स्ट्रेंथन होगी प्रतापगढ़ का विकास क्यों नहीं हो पा रहा जैसे और जिलों का हो रहा है क्या मतलब बाधाएं हैं कॉन्स्टेंट्स हैं क्या मतलब यस सर सर प्रतापगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है उसका रीजन है लॉ ऑर्डर फेल्योर हो जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन yes, नहीं हो पा रहा है yes, यस सर नहीं मेंटेन हो पा रहा है कि वहाँ पे इस समय काफी गैंग डेवलप हो चुके हैं और वो कहीं ना कहीं से क्राइम और क्रिमिनल्स का नेक्सस बन चुका है सर इस समय डेवलप हो चुके हैं बहुत पहले sir, से? सर पहले से ही है हाँ। और ऐसा हो रहा है कि वहां पे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है तो इस वजह से लोग जिनको पढ़ना होता है वो माइग्रेट कर जाते हैं जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ मैं मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी किया मैं वहां जब थी तो वहां पे पीजी का भी नहीं था तो मुझे वहां इसलिए जाना पड़ा अदरवाइज तो मैं प्रतापगढ़ से ही करती पीजी तो लग लग गैंग्स को बहुत करीब से जानती <laughs> सपोज मान लीजिए आप वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गई एस डी एम सी तो किस तरह के कुछ स्टेप्स आप लेना पसंद करेंगी या कुछ दिमाग में हो कि मैं अगर होंगी तो ऐसा करूंगी कि जिससे कुछ सुधार हो या सर सर स्टेप लेने की जहाँ तक बात है कि पहली चीज तो प्रतापगढ़ में लिटरेसी रेट अच्छी है 73 परसेंट तो वहाँ की जनता अवेयर तो है और चीजों से स्कीम से अवेयर भी है तो मैं उनको एक क्लियर वे में अपने मैं किस पोस्ट पे हूँ सर प्लीज डिप्टी एस पी लीजिए अच्छा डिप्टी एस पी सर तो डिप्टी एस पी तो सर जो भी मुझे प्रशासन से जो भी आज्ञा मिलेगी या ड्यूटी असाइन की जाएगी मैं उसका पालन करूँगी और वही करना मेरा एक तरह से कहीं ना कहीं से पब्लिक को सर्व करना हुआ ओके हिस्ट्री में पीजी किया आपने नो सर इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश लिटरेचर में फिर हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी सर ओके ओके कौन सी हिस्ट्री आपको अच्छी लगती है ज्यादा हिस्ट्री में भी कौन सा पोर्शन सर वैसे तो सारे ही मुझे पसंद है बट वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब थोड़ा मुझे जियोग्राफिकल भी ज्यादा नॉलेज हो जाता है उससे तो मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री यस सर तो वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फिलोसफर्स थे उनका yes, क्या कंट्रीब्यूशन था जैसे कुछ थे ना, yes, hmm. ना यस सर हाँ रूसो थे वॉल्टायर थे क्या कंट्रीब्यूशन था उनका सर उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन बना दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन रेवल्यूशन जिसकी वजह से स्पीड अप हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे कि उन्होंने राइट्स के बारे में बोला कि पीपुल्स के राइट्स हैं पीपल कहीं ना कहीं से मतलब स्टेट के भी अपने राइट्स होते हैं कि स्टेट एक कॉन्टैक्ट है पीपल और पीपल और उसके बीच में लॉ के बीच में तो इस इस वजह से मतलब उनका कंट्रीब्यूशन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में रहा सर इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन का दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इंडस्ट्रियल रेवोलूशन का, का सर पॉजिटिव हाँ. इम्पैक्ट भी रहा और निगेटिव इम्पैक्ट भी रहा ज्यादातर इसका ये देखा जाए इससे कोलोनाइजेशन बढ़ा है एक तरफ जहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ अर्बनाइजेशन हुआ वहीं दूसरी तरफ से इस्लामाइजेशन भी हुआ और कोलोनाइजेशन भी हुआ जैसे कि इंडिया हो गए इजिप्ट हो गए ये सारी कंट्री को रॉ इंपेरिय, प्रोडक्ट के लिए उन्होंने इंपीरियलिज्म के थ्रू डोमिनेट किया सर साइंटिफिक सोशलिज्म जानते हैं क्या वैज्ञानिक समाजवाद सॉरी समाजवादी आप मेरे को ग्लोबलाइजेशन के तीन नेगेटिव इम्पैक्ट बताइए पे इंडियन मैम ग्लोबलाइजेशन की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन का कमोडिफिकेशन हुआ है सेकेंड थिंग हुआ है कि क्राइम क्राइम उनके अगेंस्ट जैसे कि वो पब्लिक प्लेसेस में आई तो ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट भी हुआ है उनका ग्लोबलाइजेशन की वजह से पब्लिक प्लेस में आई सर मैम ग्लोबलाइजेशन की वजह से थोड़ा मतलब उनका ज़्यादा जैसे कि वोकेशनल देखा जाए कि मतलब सर्विस सेक्टर में वो ज़्यादा इमर्ज हुई हैं तो कहीं ना कहीं से इंडिया का जो पेट्रियारिकल सेटअप है वो उसको उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा मतलब डैमेज हुआ है तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं से उनका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है मैम ठीक है हाँ। और थर्ड थिंग वो उनका पिंकाइजेशन ऑफ जॉब हुआ है वो सर्टेन जॉब तक ही लिमिटेड रही हैं ग्लोबलाइजेशन से तो ये और ज्यादा व्यापक होना चाहिए था जो चॉइस ऑफ जॉब होती है यस मैम चॉइस ऑफ जॉब व्यापक हुई है बट सर्टेन जॉब तक एक कहा जाता है ग्लास सीलिंग इफेक्ट तो वुमेन एक सर्टेन जॉब में ही रह गई हैं और उसके ऊपर नहीं उठी हैं वो ठीक है एक एक्साइटेड हरारिकी लिमिटेड रह गई है ठीक है आ, अभी हाल ही में आ, पहली इंटरनेशनल भोजपुरी फेस्टिवल हुआ है एक जगह आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे हुआ है सॉरी मैम रेणुका जी मल्टीपरपज प्रोजेक्ट के बारे में सुना है रेणुका टाइम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मैम सुना है पढ़ा भी है बट अभी मैं थोड़ा ही रिकॉल कर पा रही हूँ कौन सी नदी पे है ये हिमाचल प्रदेश में है यमुना की सहायक नदी पे है शायद याद है कुछ कैन आई गेस मैम श्योर आई थिंक फाइव टू सिक्स स्टेट्स हैं मैम ठीक है एक गांधी रिसर्जन सबमिट हुई है सॉरी मैम नॉट अवेयर ऑफ ठीक है आप मेरे को लास्ट क्वेश्चन है मेरा रेडिकलाइजेशन और फंडामेंटलिज्म और फंडामेंटलिज्म में डिफरेंस बताइए सर सॉरी मैम मैम दोनों ही आइडियोलॉजी है रेडिकलाइजेशन में कोई एक आइडिया होता है उसको बहुत एग्रवेट करके पर्सन को मोबिलाइज किया जाता है जैसे कि अभी आईएसआईएस का देख लिया जाए तो आई एस ऑनलाइन फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू कुछ मैसेज भेज के उनके जो पर्सनल फीलिंग्स हैं उनको एग्रवेट करके उनसे कुछ निगेटिव डायरेक्शन में काम कराया जाता है तो अभी जैसे रिक्रूटिंग ऑफ पीपल फ्रॉम आई फ्राम ऑनलाइन सोशल मीडिया फॉर रेडिकलाइजेशन एंड सेकेंड थिंग फंडामेंटलिज्म मैम फंडामेंटलिज्म कोई जैसे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है कुरान हो गया या ये कह दें कि बाइबल हो गया इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को बहुत ही मतलब अपने तरीके से वो इंटरप्रेट करके पीपल को निगेटिव uh, डायरेक्शन में ले जाते हैं अपने तरीके से यस yes, मैम वर्बेटम उसका इंटरप्रिटेशन होता है तो वर्बेटम होता है तो अपने तरीके से कैसे हुआ वर्वटे मतलब मैम उसमें अपनी इमोशंस तो डालते हैं ठीक है एक आ, इंडिया में दयानंद सरस्वती ने कहा था गो बैक टू वे दास उसके मूल सिद्धांतों पे वापस जाइए yes, तो क्या ये एक एग्जांपल है फंडामेंटलिज्म का मैम सम टू एक्सटेंट ये था इसकी वजह से कहीं ना कहीं से कम्युनलाइजेशन हुआ था तो आप कह रही हैं दयानंद सरस्वती फंडामेंटलिस्ट नो मैम आई एम नॉट फंडामेंटलिस्ट लेकिन कुछ एक्सटेंड तक ऐसा इंटरप्रेट किया गया था मैम उनका मोटो नहीं था बट इसका इंटरप्रिटेशन हुआ था उनका मोटो यह था कि जो कन्वर्जन हो गया है वो लोग वापस आ जाएं, बट उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से हुआ कि वो हिंदुआइजेशन को या वेदास की तरफ जाना चाह रहे हैं इसकी वजह से पीपुल थोड़ा मतलब उनको प्रॉब्लम हुई कि इस चीज़ को इंटरप्रटेट उन्होंने गलत किया है अब दयानंद सरस्वती जी को बचा रही हैं कि फंसा रही हैं नो मैम ना ही मैं बचा रही हूँ ना ही बचा, बता, उनको फंसा रही हूँ बट ये कि मैं जो सही है वो बता रही हूँ ठीक है ठीक है थैंक यू हाँ मीनाक्षी आपको भारत के स, सबसे अच्छे प्रधानमंत्री कौन लगते हैं अभी तक जितने भी हुए सर सर सर्वश्रेष्ठ कौन रहे हैं सर सभी प्रधानमंत्री अपने अपने टाइम में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं बट अगर आप मेरे से एक चॉइस पूछेंगे तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बोलूंगी और दूसरे पायदान पर किसे रखना चाहिए दूसरे पैदान पे सर मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रखना चाहूँगी नरसिंह राव या वाजपेयी जी को क्यों नहीं चाहती दूसरे पैदान पर सर टाइम के साथ अगर देखा जाए जो मुझे पता है जितना मैं अपने उस तरह से अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे बता रही हूँ सर वैसे वाजपेयी जी भी बहुत उनको मैं थर्ड पे रखना चाहूँगी नरसिंह राव को नरसिंह नरसिंह राव जी को भी मतलब वो भी मेरे फेवरेट रहे हैं सर बट <laughs> आप चॉइस पूछ रहे हैं तो सर चॉइस पे मैं बता रही हूँ ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया आप जा सकते हैं थैंक यू सर आइए आइए बैठिए तो आप तो पहले ही नए तहसीलदार हैं सेलेक्ट हो चुके हैं इंटरव्यू यहाँ भी लास्ट ईयर आपने किया था कितने मार्क्स आए थे 140 सर 146 200 सिक्स दो सौ में नंबर आ गया। <laughs> तो कुछ खास है नहीं जैसा आप बोलती हैं उसी अंदाज में अपना बोलिए सर थोड़ा मैं अटकती हूँ बोलते वक्त ऐसा मुझे लगता है वो अपना हर आदमी का के के कुछ ना कुछ अपना होता है यूएसपी <laughs> और मैम ने जो क्वेश्चन पूछा वो तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थोड़ा सा एक्चुअल नॉलेज कम है मुझे द्या? मुझे ऐसा लगता है यूपी के लास्ट टू मंथ्स का थोड़ा देख लीजिएगा प्रतापगढ़ में एक्चुअली भोजपुरी बोली नहीं जाती, बोली जाती है इसलिए भोजपुरी की जानकारी नहीं होगी आजमगढ़ <laughs> में, <भोज़पुरी> <laughs> में हुआ भोजपुरी एक ऐसी भाषा जो इंटरनेशनल हो गई है अभी वो प्रांतीय स्तर पर भाषा का दर्जा नहीं पाई लेकिन इंटरनेशनल हो गई ठीक है तो ये सब फैक्ट्स जितने हो सके करिएगा बाकी सब बढ़िया ठीक रिलेटेड स्कीम्स सर ने पूछा हाँ, वो मैं सोच रही थी सर मैं अभी भी बाहर भी सोच रही थी कि शायद मेरे से ये क्वेश्चन होगा बट मुझे मैंने पढ़ा था याद नहीं था मुझे ठीक है मैं वो देख लूंगी चेक कर लूंगी सर ठीक है ऑल द बेस्ट थैंक थैंक यू मैम